गणपति बप्पा मोरिया दर्शन करने के लिए तो हो गए हैं, हो गए हैं, आ गए हैं वीकेंड और आज फ्राइडे है तो चलते हैं कि दुबई में क्या रौनक रहती है। वैसे तो दुबई में मुंबई से कम रौनक नहीं रहती सच में, तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं आपको लेके चलते हैं और मजा आएगा आपको। और ये देखो इन्होंने रिपीट किया, उस दिन पहना था ना कुर्ता मंदिर में, तो चलो आज भी मंदिर जा रहे हैं इसलिए मैंने पहन लिया, आज गणपति बप्पा मंदिर जा रहे हैं। ये मैंने सेम ये वाला कलर रिपीट किया है इसी साड़ी मेरे पास थी, तो ये साड़ी से ऑब्सेस हो चुकी हूँ मैं, ये कलर से साड़ी से नहीं। गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरिया। यहाँ पे किसी का फोन आ रहा है भाई, फोन उठाओगे कि नहीं? इसकी आवाज तो बंद करो, बंद ही नहीं हो रहा भाई, तो नहीं बंद रहा। चलिए दोस्तों हम लोग गणपति बप्पा के दर्शन करने जा रहे हैं और बहुत सारा मजा करेंगे। तो आज इवनिंग में ब्लॉग बना रही हूँ दोस्तों, तो ब्लॉग को प्यार दीजिएगा, कम से कम लाइक तो करिएगा। अद्दू क्या कहते हो, लाइक सब्सक्राइब और कुछ कहना है आपको? और ये संभावना सेठ के वीडियो के मतलब गजब के फैन है जो गणपति वाला ब्लॉग आया है। तो चलिए दोस्तों ऐसे शाम को निकलो ना तो दुबई पूरी दिखती है इधर से, बड़ा ही गजब लगता है एकदम। आज हम लोग थोड़ा सा अपने टाइम से आधा घंटा लेट चल रहे हैं। लेट क्या मतलब, जाना तो है ही है लेकिन हम जो टाइम बता रहे थे अगर मन में सोचे भी रहते हैं उससे लेट हो जाते हैं, तो हम अपने आप को लेट मानते हैं दोस्तों। इतने टाइम की पंक्चुअल नहीं होनी चाहिए लेकिन हम हैं ऑफिस की वजह से, हैं ये जरा भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए दुबई फ्रेम, और कितना सुंदर लग रहा था ना, एकदम सनसेट का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे बीच में ना कुछ ऐसा लूँ तो ट्रक जरूर आता है, बस आ जाती है, तो ये इसी पे सब बच्चे हंसने लगते हैं ना कि मम्मी जब वीडियो लेती है तो उसमें ट्रक आ जाता है रोड का ये सब। तो यहाँ पे देखिए ना ये विला एरिया में है, अल जाफलिया इस जगह का नाम है, और आप लोकेशन मांग सकते हैं, लिंक दे दूंगी मैं अगर आपको जाना होगा। ये वीडियो अगर टाइम पे आप देख रहे हैं या तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी काम आएगा, क्योंकि हर साल यहाँ पे बहुत अच्छी गणपति की पूजा होती है, यहाँ पे पंडाल बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए विला में कुछ ऐसा इन्होंने डेकोरेट किया है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मन से दो दो तीन तीन महीने की मेहनत से ये सब किया जाता है, और अभी आप देखेंगे ना तो एकदम अद्भुत वाली फीलिंग आपको आएगी कि क्या ही बना दिया है इस बार की जो थीम है। और थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में थी तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा सा कैप्चर मैं नहीं कर पाई जितना मुझे कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैं अभी कल भी जाऊंगी मैं तो, मतलब दीदी लोगों को मैंने बताया, दीदी कह रही थी जाएंगे तो हम कल भी चले जाएंगे, तो आप लोग आएंगे तो ज़रूर बताइएगा कोई आ रहा है तो। तो ये वीडियो इसीलिए मैं जल्दी से डाल रही हूँ, छोटा सा प्यारा सा वीडियो बना के। और ये देखिए एंट्री वे कितना सुंदर बनाया हुआ था, ये पे बीच बीच में ऐसे राम जी और हनुमान जी, दो साल पहले भी मैं यहाँ गई थी तो वहाँ पे उस टाइम पे गणपति का बहुत अच्छा सा ब्लैक ब्लैक सा सब पत्थर वत्थर लगा था, वो थीम अलग था। और इस बार तो देखिए थीम अंदर, अभी मैं अंदर जाऊँगी ना तो आप थीम देखिएगा, देख के एकदम खुश हो जाएंगे आप, मतलब खुश खुश खुश, मैं तो एकदम खुश हो गई। और सोच लीजिए कि मैं अभी अभी अयोध्या से आई हूँ ना तो मुझे ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। ये देखो वाटर फाउंटेन ना लास्ट टाइम मैंने देखा था वहाँ पे लगा हुआ था, अभी इस टाइम यहाँ पे रखा हुआ था। तो बस दोस्तों ये देखिए पूरा ऊंचा सा आसमान की तरह एकदम ब्लू ब्लू, मतलब गजब ही बनाया हुआ है, आप लोग ज़रूर जाइएगा। इसीलिए मैं मेहनत करके भी जल्दी से, आज फ्राइडे है, आज ही गई थी, आज ही मैं वीडियो ये डाल दूँगी कि जो भी दुबई से मुझे जितने लोग जानते हैं वो जाएँ। राम दरबार, गजब यार। अयोध्या से राम जी के दर्शन, जय श्री राम। चलो आप वॉक टूर्स टूर दे दो, हम देते हैं टूर। ये देखिए राम दरबार, और यहाँ पे भी राम जी है,
पूरा अयोध्या भी हम लोग आ गए हैं, होके आ गए हैं ना, तो वो वाली कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वैसा भी बना हुआ है। ये देखिए अयोध्या में पूरा वाली फीलर है, स्काई का लगा हुआ है। ये देखिए राम जी का तो ये जो बना हुआ है सब कुछ एकदम एज इट इज बना है ना, ये वाला एरिया। हेलो, बहुत सुंदर है ना। हेलो हेलो, कुछ शुरू होने जा रहा है। ये देखिए जहाँ कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था वैसे ही पूरा बना हुआ है। बहुत सुंदर है यार, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है राम जन्मभूमि, ये देखो पूरा पंडाल आपने घूम लिया। और ये एग्ज़िट के साइड था, यहाँ भी बहुत अच्छा था। और मैसेज करेंगे ना आप, मुझे कमेंट लिखेंगे तो मैं लोकेशन ज़रूर आपको दे दूँगी। और बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये पंडाल में जाके, और विला में किसी के है ये तो बहुत ही अच्छा लगा, तो ज़रूर जाइएगा। और गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति।